हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हालांकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दे आर आस्किंग दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, तो आप चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइए। कंप्यूटर सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, तो हमारा ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है इस पर्पस के लिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपडेटेड हैं और वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट रेगुलर इंटरवल्स में अपडेट होते रहते हैं। एग्जाम से 5-6 दिन पहले तो बहुत सारे रिविजन क्वेश्चंस होते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग जुड़ जाइए। और जो मैथमेटिक्स आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड दोज चिल्ड्रेन हु आर इन ग्रेड 6 to 10, सो दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ द सेशन। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो इंटायर सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th वी आर कवरिंग अप। एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस एज एन इलेक्टिव इन ग्रेड 11 एंड 12, दे ऑल्सो विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो तुरंत जुड़ जाइए चैनल से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मोटिवेट करना ना भूलिए। अभी जो है कि उत्तराखंड, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स इन उत्तराखंड, आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। वाई? क्योंकि सब जगह जो नोट्स मिल रहे थे वो हिंदी मीडियम में ज्यादा मिल रहे थे, सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी ऑल टू हेल्प ऑल ऑफ यू हु वांट द नोट्स इन इंग्लिश एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स रिलेटेड टू उत्तराखंड। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स एंड आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू वॉन्ट इट एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, सो डेफिनेटली फॉर उत्तराखंड एग्जाम्स तो फिर आप लोग डेफिनेटली जुड़ जाइए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो फिर उत्तराखंड तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल है, देवों की भूमि। यस, तो आज हम उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं। यस, कितने नेशनल पार्क्स हैं? 6 नेशनल पार्क्स हैं। फाइन, देयर आर 6 नेशनल पार्क्स। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स, सो उत्तराखंड, इट इज नोन एज द लैंड ऑफ गॉड्स, देवों की भूमि। इट इज स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया दैट इज व्हाट पॉपुलर, दैट इज फेमस, ब्लेस्ड विद इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेशनल पार्क्स इन द कंट्री। These national parks are important for the conservation, हमारी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, यहाँ के फ्लोरा, यहाँ पे फौना के कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बहुत जरूरी है। अब जो नेशनल पार्क्स है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस द नेचुरल ब्यूटी एंड द वाइल्डनेस ऑफ द स्टेट। These parks are home to a variety of animals, tiger, leopards, elephants and deer, as well as rare and endangered species of the birds, insects. तो बहुत सारी चीजें, ये तो अब तो बाघ रास्तों में ही घूमने लग गए हैं, उत्तराखंड वालों को तो पता ही होगा है ना, रास्ते में भी हमको मिल जाते हैं बाघ। तो वैसे ही हमारे जो नेशनल पार्क्स है, जनरली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज एनिमल्स, टाइगर्स, लियोपार्ड्स, एलिफेंट एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज के संरक्षण के लिए भी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moving ahead, let us move ahead and let us see. A national park is an area which is set aside, alag se, for the protection and conservation of wildlife as well as for the enjoyment of the public also. तो पहले हम बात करते हैं first national park of the state. It is Jim Corbett National Park. सबने सुना होगा. It was established on 1936 and it was named as Haley National Park. एरिया कितना है, व्हाट इज द कवरेज एरिया, 521 स्क्वायर किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। आपको पता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ 1936 में स्टैब्लिश हुआ, ओल्डेस्ट है एंड रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द ईयर 1957 में उनका नाम जो हेली नेशनल पार्क से उसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व ऑन 1973, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया राइट नाउ, ही विच वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कौन से ईयर में, 1973 में। कौन से एरियाज में स्प्रेड आउट है, नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल में। इट इज ऑल्सो नोन एज द हेवन ऑफ टाइगर्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, प्रोजेक्ट नाइन टाइगर दैट इज 1973, द ईयर व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1976 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो ये हम लोगों के जो डेट हैं, जो ये सब वैल्यूज हैं कि कब, मतलब वैल्यूज इन द सेंस कि कौन से ईयर में, अब कौन 1936 में क्या नाम था, केली नेशनल पार्क था, अब कौन से ईयर में चेंज हुआ उसका नाम कॉर्बेट नेशनल 1957 में, ये जो डेट है यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, देन यू विल बी when you keep on revising that then it will fit in our mind, is it not? Phir Nanda Devi National Park second national park hai, it was established on 1982. What is the approximate area coverage? 625 square kilometer. What is the district? Chamoli around the Nanda Devi peak. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था 1988 में, और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नाम आया था 2004 में। अगेन द इयर्स कि 1982 में तो स्टैब्लिश हुआ, 1988 में ही नाम आ गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2004 में। और वाइल्ड लाइफ किसके लिए, इट इज फेमस फॉर द स्नो लियोपार्ड एंड एशियाटिक ब्लैक एंड ब्राउन बेयर के लिए। Is it fine? The date of establishment, कब उसको एक अगर एक milestone achieve हुआ तो कौन से year में हुआ, that becomes very very important, and in which district it is, that is very very important. Valley of Flowers National Park established on 1982, smallest है, ठीक है, because see just the coverage area 87 square kilometer approximately, and it was discovered by Frank Spike book Valley of Flower 1931 में, ठीक है, इस discovered by किन्होंने, Frank Smith ने। District Chamoli है, UNESCO World Heritage Site में 2005 along with Nanda Devi National Park। अभी हमने पढ़ा ना कि Nanda Devi National Park भी UNESCO World Heritage Site में है, ये भी World Heritage Site में है। River Pushpavati River, smallest national park of Uttarakhand. And area-wise, it is mentioned that area-wise, it is the smallest national park of Uttarakhand. Rajaji National Park, sab log ghume bhi honge, gaye bhi honge sab log. It was established on 1983. It was named after C. Raja Gopalachari. Area 820 square kilometer hai. District Dehradun, Haridwar aur Pauri Garhwal hai. The area of coverage. Forest range Chila Motichur Rajaji. Tiger Reserve in 2015 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, एंड वाइल्ड लाइफ फेमस फॉर एलिफेंट्स, इज इट फाइन। 1973 में जिम कॉर्बेट था, ठीक है, तो वो डेट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन अबाउट द डेट्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में स्टैब्लिश हुआ, एरिया 2390 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया वाइज यू कैन सी द डिफरेंस कि सबसे बड़ा लग रहा है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड एंड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है ये गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड का लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा गोमुख ग्लेशियर, डिस्ट्रिक्ट कौन से में है, उत्तरकाशी में, तो गंगोत्री उत्तरकाशी में है, एंड सबसे बड़ा है एरिया वाइज, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में गंगोत्री, स्मॉलेस्ट क्या था, वैली ऑफ फ्लावर्स था, एंड 87 स्क्वायर किलोमीटर था उसके कवरेज एरिया, गंगोत्री का एरिया 2390 स्क्वायर, राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, स्टैब्लिश्ड ऑन 1990, एरिया 958 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। The national park encompasses the parts of the upper Tuns river, Tuns valley, and is situated at higher elevation. एक एग्जाम में पूछा था related to river, तो ये ध्यान रखना कि गोविंद पशु विहार Tuns, ठीक है, Tuns river से upper Tuns valley में, तो it is related to Tuns river, ठीक है, ये आया था एग्जाम में। अब देखिए गोविंद पशु विहार गंगोत्री, गंगोत्री तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है 1982 में, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स 1982 में चमोली डिस्ट्रिक्ट, जिम कॉर्बेट समवेयर हेयर पौड़ी नैनीताल, यस, एंड फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राजाजी हेयर, इज इट ओके, राजाजी इन देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल, यस एंड या देखा राजाजी, सो देहरादून हरिद्वार एंड पौड़ी गढ़वाल, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट प्रॉपरली, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे कौन से एरिया में है और कौन से
ईयर में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सब हमको अच्छे से आ जाना चाहिए। यस आई विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, ठीक है, कि उसके डैम्स क्या कितने हैं, किसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सारे डैम से लेकर कौन से पर्सनैलिटीज हैं और उनको क्या नाम दिया गया था, कौन सी रानी को नागकटी रानी कहा जाता था, मतलब बहुत सारी चीजें हैं अभी डिस्कस करने के लिए। एंड वी विल हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग सेशंस अहेड। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस, विच इज द हाइएस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क हाइएस्ट है। Which is the smallest national park? That is Valley of Flowers. Oldest कौन सा है? Jim Corbett National Park है 1936 में. So this is about today's session on national about your national parks in Uttarakhand. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंचुरी के बारे में भी, मैं थोड़ा बात करूंगी कि कौन-कौन से एरियाज में नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सेंचुरीज के बारे में होंगे एंड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में होगा। एंड अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड एग्जाम्स एंड कोई भी जो आप लोगों का एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर सेक्शन इज माय मेन पोर्टफोलियो। तो आप लोग अगर आपको समझ में आ रहा है एंड यू फील दैट ओके वी कैन मूव अहेड विद दिस चैनल, सो यस डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। लेट्स होप दैट वी मीट अगेन सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।